करके उनसे गलती होगी। क्या करते हो आप? मैं BA LLB करके प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? हाई कोर्ट चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली। कहाँ से किया LLB? रियात एंड बारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मोहाली। अब आपको कुछ महसूस हो रहा है, क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ी गलती होगी जी जिंदगी में, कि उनसे गलती होगी। क्या करते हो आप? मैं BA LLB करके प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? हाई कोर्ट चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली। कहाँ से किया LLB? रियात एंड बारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मोहाली। अब आपको कुछ महसूस हो रहा है, क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ी गलती होगी जी जिंदगी में। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम इस समय खड़े हैं अम्बाला शहर की बलदेव नगर चौकी में, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर करनाल के एक व्यापारी से काले रंग की XUV गाड़ी लूट ली गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये वो XUV गाड़ी है जिसे अम्बाला पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। HP नंबर की ये गाड़ी है, HP07D0937, जिसे चाकू की नोक पर पहले इस गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाई गई, उसके बाद कुछ लोग गाड़ी से उतरे और जो गाड़ी में सवार व्यक्ति था जो करनाल का रहने वाला है उससे चाकू की नोक पर जो है वो गाड़ी छीन ली गई, उससे लूटपाट की गई और उसे वहाँ से भगा दिया गया। अब हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अम्बाला शहर की बलदेव नगर चौकी की, जहाँ की ये घटना थी और फिलहाल पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। लूट के लिए जो इस्तेमाल किया गया था चाकू, उसको भी जो है पुलिस बरामद करेगी और कौन कौन से लोग थे वो भी जो है पुलिस पता करेगी। फिलहाल पुलिस ये गाड़ी को रिकवर करके ले आई है और आपको हम सीधी तस्वीरें बलदेव नगर चौकी से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद कर लिया है। इसके साथ साथ जो लूट का आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है वो पुलिस उस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी, ताकि उसके जो अन्य साथी हैं उनका भी पता लग सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है, त्वरित जो है इस मामले में कार्रवाई की गई और जिस तरीके से जो गैंग है जिन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था, अब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और कौन कौन सी जो घटनाएँ हैं उन्होंने उनको अंजाम दिया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने जो है और लूट की वारदातें की हैं, ये सब जो है पूछताछ की जाएगी रिमांड के दौरान। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है ये अम्बाला पुलिस की, जो यहाँ पर चौकी इंचार्ज हैं सुरेश, उनकी पूरी टीम ने और SHO बलदेव नगर जो है वो फिलहाल यहाँ पर मौके पर हैं और पूरी टीम ने मिलकर के जो है इस घटना को अंजाम दिया है। खुद जो गौरव हैं SHO हैं बलदेव नगर थाना के, वो हमारे साथ हैं। सर, ये लूट की वारदात हुई थी, ये इस गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, 19 तारीख को हमें सूचना मिली थी रात को कि गांव काकुड़ के पास GT रोड पे गाड़ी छीन ली गई है, तो उस पर हमने FIR रजिस्टर करके और हमने अपनी टीम, दो टीमें बनाई थी अलग अलग उसके लिए, और उसमें हमने काफ़ी प्रयास किए और उसमें आज पुलिस को इसमें सफलता भी मिली है। हमने गाड़ी, छीनी हुई गाड़ी को रिकवर कर लिया और उसके साथ एक एक्यूज्ड को भी हमने उसमें अपना आज हमने गिरफ्तार किया। सर, खाली गाड़ी छीनी गई थी या आरोपियों ने कुछ और भी लूटपाट की थी, नकदी या कुछ और चीज़ें भी थी, क्या शिकायत मिली? लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा सिर्फ गाड़ी छीनने की शिकायत दी गई थी और उसमें कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने किसी नुकीली चीज़ पे को दिखाकर ही इनसे गाड़ी छीनी थी। तो सर, क्या माना जा रहा है जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, इसकी कुछ और भी साथी होंगे? हाँ जी बिल्कुल, के साथ और भी इसके साथी हैं, उनका अभी हम पुलिस रिमांड लेंगे, गहनता से पूछताछ करेंगे और बाकी सभी आरोपियों को हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। उम्मीद की जा सकती है कुछ और जो वारदातें हैं वो भी एक अम्बुल है, क्योंकि जिस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं और भी इनके तार हो सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे अक्यूज्ड का, उसके बाद उसके बाकी और साथी भी गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आपको क्या बता पाएंगे। बिल्कुल, लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिन युवकों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था उनको सबको जो है वो पुलिस चुन चुन कर निकालेगी। फिलहाल जो एक आरोपी है जिसने लूट की घटना को अंजाम दिया था उसकी तस्वीरें भी जो है हम आपको दिखाते हैं, आप जुड़ रही है हमारे साथ। लूट की इस घटना को अंजाम देने वाला जो ये युवक है, ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, फिलहाल पुलिस ने जो है इसे अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और इससे पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन लोग जो हैं वो और शामिल थे, और पूछताछ के दौरान जो है ये बताएगा कि और किसने ये इस घटना को क्यों अंजाम दिया। आपने नशे की हालत में थे दोस्त, उन्होंने, उनके साथ था मैं,
तो इस नशे में अंजाम हो गया। कितने दोस्त साथ थे आपके? तीन। तो पहली बार किया ऐसा या पहले भी किया? पहली बार ही। नशे के कारण करते थे? क्या नशा करते थे? दारू पी रखी थी उन्होंने। मैं कुछ कोई नशा नहीं करता। हाँ जी, दारू पी की हालत में ज़्यादा टैट थे तो उस करके उनसे गलती होगी। क्या करते हो आप? मैं BA LLB करके प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? हाई कोर्ट चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। मोहाली। कहाँ से की LLB? रियात एंड बारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मोहाली। अब आपको कुछ महसूस हो रहा है? क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ी गलती होगी जी जिंदगी में। बिल्कुल, ये देखिए हाई कोर्ट के वकील हैं, LLB कर रखी है और नशे के कारण जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आज ये पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब अगली जो ज़िंदगी है वो जेल में कटेगी क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड कीजिए।